हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी 13C फ़ोन है, तो रेडमी 13C फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप पावर बटन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं रेडमी 13C फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व करके फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट आप कैसे कर सकते हैं रेडमी 13C फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम वीडियो बताने वाले हैं कि पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं रेडमी 13C फ़ोन में, और आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं। सिंपली आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सिंपली सेटिंग्स पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही इसके ओपन करते ही आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली देख सकते हैं कि आप पावर बटन की प्रॉब्लम को यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। आपको एडिशनल सेटिंग्स पे जाना है, एडिशनल सेटिंग्स पे जाकर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा एक्सेसिबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी पे जाकर आप इस तरह से एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे जाकर मेन्यू शॉर्टकट्स को आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करती शॉर्टकट आइकन्स आ जाएगा, जिसके ज़रिए आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट आइकन्स पे टैप करना है तो हम डिफरेंट टाइप के आइकन आ जाएंगे, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। बिना बटन्स का यूज़ करें, सिंपली आप वॉल्यूम बटन्स पे जाते हैं तो आप फ़ोन को रीबूट ऑप्शन के ज़रिए फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हैं, एंड आप साइलेंट भी कर सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए, और पावर ऑफ़ करना चाहें तो पावर ऑफ़ भी आप कर पाएंगे। एरोप्लेन मोड भी यहाँ से ऑन कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट भी आप कर पाएंगे फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें एंड वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो।